आज हम देखेंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान में ग्राम पंचायत व नगर निगम। तीसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। 4 नंबर नीति निदेशक तत्व है। 5 नंबर राष्ट्रपति। इन 500 टॉपिक को हल करने से पहले हम एक गिनती के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे साथियों। जो गिनती मैंने लिखी है 1 से लेकर 9 तक है, इसमें आपको समझना है, याद नहीं करना है, आपको समझना है कि जैसे ये 1 है, ये 1 है, 1 को हम लिखते हैं 1, 1 को ऐसे लिखेंगे तो 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1 और लगा दिया तो ये टी बन गया। क्या बन गया? टी। तो इसी तरह हम 1 को टी लिखेंगे। 2 है, 2 को उल्टा करके लिखेंगे साथियों तो ये एन बन जाता है। 3 है, 3 को उल्टा करने पर एम। 4, 4 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, 4 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं तो इस तरह ये 4 हो गया। आर, 4 क्या बन गया अपना? आर बन गया। ये है 5, 5। तो जैसे अपना ये हाथ है, हाथ में ये 5 अंगुलियों के बीच में ये जो जगह है, ये जगह है, ये एल बन गया। क्या बन गया? एल। ये 6 है, 6 को हम बी लिख सकते हैं। 7 है, 7 को थोड़ा सा उल्टा करना है टेढ़ा, 1 7 ऐसे लिख दिया, इसके ऊपर 1 तिरछा 7 लिखना है तो ये के बन जाता है। क्या बन जाता है? के। और ये है 8, 8 रोमन संख्या में इस तरह है लिखा जाता है साथियों, 8। एक तो ये अपना वी हो गया, और ये जो 3 डंडे हैं उनको एक एक इस तरह और एक इस तरह, ये 3 डंडे लगा के ये एफ बन गया। ये है 9, 9 को इस तरह पी लिख देते हैं उल्टा लिखने पर। तो इस तरह साथियों ये गिनती है, इस गिनती को ध्यान में रखना है कि 1, 1 के ऊपर 1 लगाने पर ये टी बन जाता है। 2, 2 को उल्टा लिखने पर एन बन जाता है। 3, 3 को उल्टा लिखने पर एम। 4, हिंदी में 4 इस तरह लिखते हैं तो ये आर बन गया। 5, 5 का इस तरह है तो ये एल बन गया। 6, 6 को बी की तरह लिखते हैं। 7, 7 को 1 के ऊपर तिरछा 7 दूसरा लगाने पर ये के बन गया। 8, ये 8 जो रोमन संख्या में मैंने बताया इस तरह, तो वी और इन 3 डंडों को ऐसे लगाते हैं तो एफ बन गया, यानी 8 का अपने V और F बनता है। 9, 9 को उल्टा लिखने पर P। इस तरह इस गिनती को समझना है। ये गिनती आगे इन टॉपिकों में बहुत काम आएगी। जैसे हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल, दूसरा टॉपिक राजस्थान में ग्राम पंचायत व नगर निगम, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा नीति निदेशक तत्व और 5 ये राष्ट्रपति। ये 5 टॉपिक जब हम पढ़ेंगे इसमें ये गिनती काम में लेंगे। ये है अपना, तो सबसे पहले आप आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, राजस्थान में प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल, ये गिनती इस साइड में ये लिखी हुई है। इस गिनती के आधार पर राजस्थान जीके में पहला है मेवाड़ प्रजामंडल। प्रजामंडलों की बात चल रही है तो पहला है मेवाड़ प्रजामंडल। अब देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो स्थापना की हम बात करें तो मेवाड़ है, मैं का एम बनता है, वे का वी बनता है। तो साथियों इस गिनती के माध्यम से हम देखते हैं कि एम का ये 3 और वी वी यहाँ हमारा बन रहा है 8। तो इस तरह इस गिनती को आप ध्यान में रखिएगा। ये गिनती अभी इसीलिए साथ में लिखी हुई है कि आप इसको देख सकें कि एम एम का 3 बनता है, वी वी का बनता है 8। तो एम और वी 1900, आप ये सभी जानते हैं कि जो भी प्रजामंडल हैं वो सन 1900 के बाद में ही बने हैं। तो 1938 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। जैसा कि साथियों आपको पता ही है, जो भी है महत्वपूर्ण प्रजामंडलों से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनकी उद्घाटन किसने किया, उनका सम्मेलन कहाँ हुआ, इस तरह के इसमें प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो ये देखिए पहला एम और वी, तो 1938 में। उसके बाद दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि मेवाड़ मामे को, मेवाड़ है वो मामे का है, तो मामे का तो माँ से बनता है, यहाँ माणिक्यलाल वर्मा जो इसके स्थापना करता है, माँ से बन गया माणिक्यलाल वर्मा जो इसके स्थापना करता है।
और मे से उनका मेहता, मे से बन गया मेहता, बलवंत सिंह मेहता जो उसके अध्यक्ष थे। तो माँ से माणिकेलाल वर्मा, मे से बलवंत सिंह मेहता जो इसके अध्यक्ष थे। इस मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 को हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता थे जेबी कृपलानी। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो राजस्थान में प्रजामंडल है उनको इस गिनती के माध्यम से सरल बनाने की कोशिश करेंगे साथियों। तो ये आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि एम और वी से 1938, माणिकेलाल वर्मा स्थापनाकर्ता, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, और इसका प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में हुआ था जिसके उद्घाटनकर्ता थे जेबी कृपलानी। और ये है गिनती। तो ये गिनती साथियों आपको लिख के रखनी है और ध्यान में रखनी है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, एक एक के ऊपर एक लगाने पर टी, दो को उल्टा करने पर एन, तीन तीन को उल्टा करने पर एम, चार चार हिंदी में ऐसे लिखते हैं आर की तरह तो आर, पांच हाथ को इस तरह करने पर ये एल, छह को बी, सात का एक साथ के ऊपर दूसरा तिरछा साथ लगाने पर के, आठ रोमन संख्या में आठ जैसे इस तरह लिखा जाता है तो इसके आठ हो गए आठ, और नौ नौ का पी हो गया। तो इस गिनती को आप ध्यान में रखिएगा। आगे इसी गिनती के आधार पर देखिए मारवाड़, तो एम एम का तीन और आर आर का चार। तो स्थापना मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, तीन और चार 1934 में हुई। अब इसके स्थापनाकर्ता का हम इस तरह ध्यान में रख सकते हैं कि मार धाड़ में किसी एक की जय होती है। मारवाड़ का मतलब मार धाड़ में किसी एक की जय होती है, तो जय नारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। और मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। इस तरह हम ने दो प्रजामंडल देखे। पहला देखा मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल में एम और वी का मेवाड़ नाम ऐसे लिखा, देखो साथियों मेवाड़ है तो एम और ये वी, एम और वी का ये बनता है तीन और आठ। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसी तरह मारवाड़ तो एम का तीन आर का चार 1934 में, जिसके स्थापना करता है जय नारायण व्यास। अगला है हमारा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल तो इसकी स्थापना होती है 1931 में। देखो साथियों हर नाम पर तो हम ये निकाल नहीं सकते कि जय का ये लगा हो। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि जयपुर राजस्थान का मेन टावर है, जयपुर राजस्थान का मेन टावर है। तो मेन एम से शुरू है और टावर टी से शुरू है, तो एम टी टावर इस तरह है मैन की। देखिए आज अभी फिलहाल में राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर पर ही सब कुछ आधारित है। जो भी है वो केंद्र, मैन केंद्र कौन है? जयपुर है। तो मैन टावर है तो एम टी, यानी एम का तीन और टी का एक। इस तरह स्थापना जयपुर की, जयपुर प्रजामंडल की होती है 1931 में। उसके बाद हम जम कपूर इस तरह लिखते हैं जयपुर को, जयपुर को जय ये को तो एम मैं कर देते हैं और कपूर, ये कर देते हैं जम कपूर। तो जम का जमनालाल जो कि अध्यक्ष हैं, जमनालाल बजाज जो कि अध्यक्ष हैं इसके, और कपूर से कपूरचंद पाटनी इसकी स्थापना करता है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। जयपुर राजस्थान का मेन टावर है तो मेन से एम, टावर से टी, एम टी यानी 1931 में। और जम कपूर, जम जम से जमनालाल बजाज और कपूर से कपूरचंद पाटनी स्थापना करता। पुनः स्थापना होती है इसकी, एक बार स्थापना होने के बाद दोबारा पुनः स्थापना की जाती है 9 नवंबर 1936 को। तो इस प्रकार ये तीसरा हो गया अपना जयपुर प्रजामंडल। चार नंबर बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बाहर होती है, राजस्थान में न होकर इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। तो ये भी हमें पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में ना होकर दूसरे जगह अलग जगह पर हुआ, तो वो है कोलकाता स्थान पे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से इस तरह देखेंगे कि
बीकानेर के मैन भुजिया हैं। ये साथियों अब आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में या देश विदेश, यहाँ तक कि देश विदेश और भारत में बीकानेर के भुजिया पापड़ ये प्रसिद्ध हैं। तो बीकानेर के मैन भुजिया हैं, तो मैन से M और भुजिया से B, तो इस प्रकार देखते हैं बीकानेर के मैन भुजिया, तो M और B से 1936। अब दूसरी बात यह है कि चटपटे भुजिया खाने के बाद राम ही वैद्य है। तो जब ज़्यादा भुजिया हम खा लेते हैं तो उससे ये होता है कि भी चटपटे भुजिया खाने के बाद राम ही वैद्य है। तो पहले तो हमने ये देखा कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि मैन भुजिया है उसके, तो MB 1936 में, और चटपटे भुजिया खाने के बाद राम ही वैद है, राम ही वैद है, तो इसके स्थापनाकर्ता कौन हो गए? स्थापना कर्ता मग्घाराम वैद, मग्घाराम वैद। तो इस ट्रिक से हम इसके स्थापनाकर्ता का नाम और इस ट्रिक से हम इसकी स्थापना कब हुई ये ध्यान में रख सकते हैं। तो ये अपने चार प्रजामंडल हो गए जिसमें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की ये ट्रिक है। करौली प्रजामंडल को हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि मेरा विजन है, मेरा विजन है कि कर लूँ तीनों लोक मुट्ठी में, करौली कर लूँ, मेरा विजन है कि कर लूँ तीनों लोक मुट्ठी में। तो मेरा विजन क्या है? M, M का 3, V, V का बनता है 8। तो इस प्रकार करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1938 में। M और V का हो गया 3/8/1938। कर लूं तीनों लोक मुट्ठी में, तो त्रिलोक मथुर, इसके स्थापनाकर्ता कौन हो गए? स्थापनाकर्ता हो गए त्रिलोक मथुर, स्थापनाकर्ता त्रिलोक मथुर। इस प्रकार अपना ये प्रजामंडल है करौली, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है और स्थापना करता है त्रिलोक माथुर। इस ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं कि मेरा विजन है कि मैं कर लूँ तीनों लोक मुट्ठी में, तो मेरा विजन तीनों लोक मुट्ठी में त्रिलोक माथुर। अगला प्रजामंडल है 6 नंबर, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना राजस्थान में जोधपुर जिले में हुई, यानी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। जैसे पीछे पहले हमने देखा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, उसी प्रकार जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। जैसलमेर प्रजामंडल को इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं कि जैसलमेर में मीठा पानी रबड़ी जैसा लवली लगता है। जैसलमेर में आप जानते हैं पानी की कमी है और पानी वहाँ खारा है, खारा पानी है, तो वहाँ अगर मीठा पानी मिल जाए, जैसलमेर में अगर मीठा पानी मिल जाए तो रबड़ी जैसा लवली लगता है। तो मीठा पानी मिठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल के स्थापनाकर्ता हो गए, मिठालाल व्यास स्थापनाकर्ता, मिठालाल व्यास और रबड़ी जैसा लवली, रबड़ी R और लवली L, R का 4, L का 5, तो 1945 में। इस प्रकार जैसलमेर प्रजामंडल को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि जैसलमेर में अगर मीठा पानी मिल जाए तो रबड़ी जैसा लवली लगता है वो, तो मिठालाल व्यास के द्वारा 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। बूंदी प्रजामंडल, 7 नंबर अपना प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। इसको याद रखने के लिए साथियों ट्रिक ये है कि बूंदी लाल होती है, बूंदी लाल होती है MD मिर्च मसाले जैसी, तो बूंदी लाल यानी इसके स्थापनाकर्ता कौन हो गए? कांतिलाल, बूंदी लाल, बूंदी लाल से हम देखते हैं कांतिलाल, स्थापनाकर्ता हो गए कांतिलाल। स्थापनाकर्ता कांतिलाल और MD मिर्च मसाले जैसी, M का यहाँ बन गया 3, D का बनता है 1, तो 1931।
तो इस प्रकार बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल के द्वारा की गई। बूंदी लाल होती है एमडी मिर्च मसाले जैसी, तो स्थापना करता कांतिलाल, एमडीएच एमडी 1931। अगला अपना है 8 नंबर, डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1944 में की गई। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, डूंगरी पर भोग लगाओ रातों रात। डूंगर डूंगरी डूंगर हम पर्वत पहाड़ों को डूंगर कहते हैं, तो इसी प्रकार डूंगरपुर है, तो इसको डूंगरी पर भोग लगाओ रातों रात। किसी पहाड़ी पर कोई है मंदिर वगैरह कुछ भी होता हो उस पर भोग लगाओ रातों रात, तो डूंगरी डूंगरपुर हो गया, भोग से भोगीलाल पांड्या, और रातों रात रात का आर, रात का आर, आर आर यानी 2 4 हो गया, आर का 4 बनता है साथियों, आर का 4 बनता है, तो रातों रात 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 आर आर 1944। इस प्रकार डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। अब अगला प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई। ट्रिक ये है कि झाला मारकर मांगी रोज बोतल, झालावाड़ ने क्या किया कि झाला मारकर मांगी रोज बोतल, तो मांगी से इसके झालावाड़ प्रजामंडल के स्थापना कर्ता हो गए मांगीलाल भव्य, और रोज बोतल, रोज से आर, बोतल से बी लिया, आर और बी, आर का 4 हो गया, बी का 6 हो गया, इस प्रकार 46 हो गए। तो 1946 तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946, और इसके स्थापना कर्ता हो गए मांगीलाल भव्य। अगला प्रजामंडल है 10 नंबर, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 को हुई, तो इसका हमने सन से लिया ही, सॉरी सन की, सन 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 माने सूर्य होता है, तो सूर्य से यानी सन से चारों ओर कांति फैलती है। सन का क्या हो गया सूर्य, तो सूर्य से चारों ओर क्या फैलती है कांति, तो इसके स्थापना कर्ता हो गए कांति लाल चौथानी। स्थापना कर्ता, तो इसके स्थापना कर्ता हो गए कांति लाल चौथानी, और ये जिससे मैन पावर बढ़ता है, जिससे क्या बढ़ता है मैन पावर, हमारे अंदर जो भी शक्ति ताकत जो भी आती है वो सन सूर्य की गर्मी से ही, सूर्य के चारों ओर जो कांति फैलती है उसी से मैन में पावर आता है, तो मैन एम और पावर पी, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एम का 3 पी का 9, तो 1939 इसकी स्थापना कब हो गई 1939। तो साथियों देखिए गिनती के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम सभी प्रजामंडलों को इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जैसे झालावाड़ प्रजामंडल, तो झाला मारकर मांगी रोज बोतल, तो मांगी से मांगीलाल, रोज बोतल से 46 1946, किशनगढ़ तो सन से चारों ओर कांति फैलती है जिससे मैन पावर बढ़ता है, तो चारों ओर कांति, कांति से कांतिलाल चौथानी, और मैन पावर एमपी से 1939। ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, जिनको उन्हीं के शब्दों में याद करना, उनकी तारीखों को याद करना, ये मैंने। धन्यवाद।